उद्धव ठाकरे ने अपने राज्यसभा सांसद को इसलिए रखा है कि वो कंगना रनौत पर भाषाई मर्यादाएं लांघ कर विवादित बयानबाजी करते रहे। शायद इसीलिए तो कंगना रनौत के वार से बौखलाई शिवसेना, सरकार से लेकर मुखपत्र सामना तक हर हथियार उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। कंगना रनौत को हरामखोर और मेंटल कहने वाले संजय राउत ने इस बार उन्हें नटी कहा है। सामना के लेख में शिवसेना के विचार छापने वाले संजय राउत ने इस बार इस लेख के जरिए एक बार फिर कंगना रनौत को निशाने पर लिया है। सामना के लेख में लिखा गया है कि मुंबई के महत्व को कम करने का योजनाबद्ध प्रयास किया जा रहा है। मुंबई की लगातार बदनामी उसी साजिश का हिस्सा है। मुंबई को पाकिस्तान कहने वाली एक नटी के पीछे कौन है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को ग्रहण लगाने का प्रयास एक बार फिर शुरू हो गया है। ये ग्रहण बाहरी लोग लगा रहे हैं, लेकिन इन्हें मजबूत बनाने के लिए परंपरा के अनुसार हमारे ही घर के भेदी आगे आए हैं। मुंबई का अपमान करने वाली एक नटी अभिनेत्री के अवैध निर्माण पर महानगर पालिका द्वारा कार्रवाई किए जाने के बाद बीएमसी का उल्लेख बाबर के रूप में किया गया। कंगना रनौत पर भड़ास निकालते हुए सामना के लेख में लिखा गया है कि एक नटी मुंबई में बैठकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के प्रति तू तड़ाक की भाषा में बोलती है, चुनौती देने की बात करती है, ये कैसी एकतरफा आजादी है? उसके अवैध निर्माण पर हथौड़ा चला तो वो मेरा राम मंदिर ही था, ऐसा ड्रामा उसने किया। मुंबई को पीओके कहना और उसी पाकिस्तान में स्थित अवैध निर्माण पर सर्जिकल स्ट्राइक की छाती पीटना, ये कैसा खेल है? कंगना रनौत को हरामखोर कहे संजय राउत, नेवी के पूर्व जवान को पीटे शिवसेना कार्यकर्ता, कंगना रनौत को थप्पड़ मारने की बात करे शिवसेना, फिर भी संजय राउत कह रहे हैं कि कंगना रनौत मुंबई को बदनाम कर रही हैं, जबकि हकीकत तो यह है कि खुद शिवसेना सरकार में ही शामिल एनसीपी कंगना के ऑफिस में हुई तोड़फोड़ को गलत बता रही है। कंगना वर्सेज उद्धव विवाद में शिवसेना को बॉलीवुड का समर्थन नहीं मिलने पर बॉलीवुड हस्तियों पर भी संजय जमकर भड़के। सामना के लेख में उन्होंने कहा कि दुनिया भर के रईसों के घर मुंबई में है, मुंबई का जब अपमान होता है ये सब गर्दन झुकाकर बैठ जाते हैं। मुंबई का महत्व सिर्फ दोहन व पैसे कमाने के लिए ही है, फिर मुंबई पर कोई प्रतिदिन बलात्कार करे तो भी चलेगा। इन सभी को एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि ठाकरे के हाथ में महाराष्ट्र की कमान है। जिस तरह से उद्धव राज में बीएमसी कंगना के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उस कार्रवाई को देश के कई दिग्गज नेता भी उद्धव सरकार के बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। अपने खिलाफ बात करने वालों को हम रास्ते पर रोककर मारेंगे और सरकार के समर्थन से हम ये काम करेंगे, ऐसा महाराष्ट्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जो बात गलत है उसको गलत कहना ही चाहिए, लेकिन उस बात से महाराष्ट्र का जितना अपमान होता है या महाराष्ट्र पुलिस का जितना अपमान होता है, उतना ही अपमान सरकार जिस प्रकार की कार्रवाई कर रही है उस कार्रवाई के कारण महाराष्ट्र का पूरे देश में हो रहा है। अगर इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सबके साथ ये कार्रवाई होती तो निश्चित रूप से उचित कार्रवाई होती। किसी ने आपके खिलाफ बात कही इसलिए जब आप कार्रवाई करते हो तो यह कायरता है, बदले की भावना है, और महाराष्ट्र में इस प्रकार की भावना का कोई सम्मान नहीं हो सकता। ये बिल्कुल आचरण जिस प्रकार सा महाराष्ट्र सरकार का है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसको कंडेम करता हूँ, मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। हिमाचल की बेटी कंगना रनौत ने सिर्फ अपनी आवाज बुलंद, जिसमें जो है प्रतिशोध की भावना, बदले की भावना से उन्होंने ये कार्यवाही की है, ये सचमुच में दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, शिवसेना के मुखपत्र सामना में आर्टिकल छपा है, उसमें कहा गया है कि जो महाराष्ट्र विरोधी हैं भाजपा उनके साथ खड़ी है और सरकार ऐसे लोगों को बिल्कुल आचरण जिस प्रकार सा महाराष्ट्र सरकार का है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसको कंडेम करता हूँ, मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। हिमाचल की बेटी कंगना रनौत ने सिर्फ अपनी आवाज बुलंद की, जिसमें जो है प्रतिशोध की भावना, बदले की भावना से उन्होंने ये कार्यवाही की है, ये सचमुच में दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, शिवसेना के मुखपत्र सामना में आर्टिकल छपा है, उसमें कहा गया है कि जो महाराष्ट्र विरोधी हैं भाजपा उनके साथ खड़ी है और सरकार ऐसे लोगों को सुरक्षा दे रही है जो महाराष्ट्र का विरोध करते हैं।
अगर ऐसी हिम्मत चाइना के बंदरों के बंदर वर्ल्ड के जरिए उनके सामने दिखाई होती तो अरुणाचल और दूसरी सीमा पे देखिए सामने का मैं जिक्र कुछ नहीं करना चाहता हूँ, ना मैंने देखा ना पढ़ा नहीं, क्योंकि वो उनका मुख पत्र है, वो अपनी बात क्या कह रहे हैं। लेकिन मैं तो इस घटना से के संदर्भ में बात कह रहा हूँ, शिवसेना का मैं कह रहा हूँ कि वजूद ही समाप्त कर दिया, मूल ही उनने समाप्त किया जिस मुद्दे को लेकर के शिवसेना का गठन हुआ। कांग्रेस के साथ सत्ता में भागीदारी करने के बाद वो जो है उनके बराबर हो गई एक तरह की, जिस तरह की कांग्रेस की परिस्थिति है। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ, जिस सत्ता के लोभ में वो कह रहे हैं, सत्ता बचाने के लिए कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उनकी लीडर में आने की आवश्यकता। कंगना के ऑफिस को तोड़ा है, उससे एक चीज साबित होती है कि उद्धव ठाकरे सरकार बौखलाई हुई है और उनकी एक घटिया सोच पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। वो क्या सोचते हैं कि ऐसा करके वो कंगना को डरा देंगे और उनको चुप करा देंगे, तो ये उनका वहम है, क्योंकि कंगना डरने वालों में से नहीं है, पूरा हिंदुस्तान उसके साथ खड़ा है। और मैं सभी देशवासियों से अपील करना चाहूँगी कि अपनी बहन की इस ताकत को, इस हिम्मत को टूटने मत देना, नहीं तो फिर आगे कोई बहन ऐसे बोलने की और अपनी बात रखने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। और एक चीज़ समझ में नहीं आती कि मुंबई के अंदर इतना सब कुछ हो गया, लेकिन जो मोमबत्ती गैंग थी बॉलीवुड की, अवार्ड वापसी गैंग थी, आज वो चुप क्यों है? क्या उनको सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा? उनको सांप क्यों सौंग गया है? ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है उद्धव ठाकरे सरकार की घटिया सोच को, और इसका जवाब जल्दी ही हिंदुस्तान देगा। संजय राव जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूं, आप एक सरकारी मुलाजिम है, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं, हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के ऐसी डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान नाक मुंह कान जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी। संजय जी, आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। और जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा? या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा? जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज, आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बाप जैसे कि सुशांत के पिताजी, उनकी FIR नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूं, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूं। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूं, आप महाराष्ट्र नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूं, आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे, आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है, और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।